हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई पीका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ एंड ये आप सब के लिए है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी। ओके, आपकी शादी किससे होगी, ये आज की रीडिंग का टॉपिक है। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, अगर आप सिंगल है तो भी देख सकते हैं, अगर आप अपनी सेकेंड मैरिज थर्ड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हैं देन आप फिर भी देख सकते हैं। आप ऑलरेडी मैरिड है फिर भी आप देखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन वॉच दिस रीडिंग। आपको पाइल सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स, ठीक है? सो मैं इसे यहाँ रखती हूँ एंड अगर आपकी नेम इनिशियल आती है ए से एम के बीच में तो आप पाइल वन में हैं, ओके? एंड अगर आपकी नेम इनिशियल आती है एन से जेड के बीच में देन आप पाइल नंबर टू में हैं, ओके फ्रेंड्स? एंड मैं आप कुछ लोगों के लिए, हमारे कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली चाहते हैं कि वो इस तरह से नहीं बल्कि किसी कार्ड्स को अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स कीप द कार्ड्स ऑल्सो। We have this support card and this memories card. Okay, so let me put it here. अब आपको शायद ये दिख रही है। Yes. So अगर आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं then this is the card for pile number वन and अगर आप इस वाले कार्ड को सेलेक्ट करते हैं then you are in the pile number टू। Okay. So आप इसे देख ले, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लेके आती हूँ एंड कोशिश ये रहती है कि आपके सजेशंस की रिक्वेस्ट को मैं रीडिंग में ला सकूँ आपके लिए। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल नंबर वन, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है सपोर्ट या फिर आपकी नेम इनिशियल आती है ए से एम में तो आप पाइल नंबर वन में। ओके दोस्तों, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किस पर्सन से होगी। आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, देखना चाहते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है इस रीडिंग से देन यू आर ऑल्सो वेलकम हियर। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले दोस्तों एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन डू दैट। आपको बस डिस्क्रिप्शन चेक करना है एंड मुझे मेल सेंड करना है या फिर आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेज आपसे रेजोनेट होती है रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। वी हैव दिस कार्ड टेम्परेंस कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। ये रीडिंग थोड़ी सी डिटेल्ड हो सकती है, इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। वी हैव दिस फाइव ऑफ सोर्ड्स, सो रीडिंग को पूरी देखिएगा सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। Please angels help me and guide me for my goals. Let's shuffle some more. Sorry for the background noise. Upar mein kuch construction work chal raha hai so can't help. We have this Eight of Cups. We have this Queen of Pentacles. We have this Nine of Wands. We have this King of Wands. Okay. And we have bottom of the deck is Ace of Wands. So, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग हो सकते हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है? या फिर आप हो सकते हैं लिब्रा जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आपके पर्सन जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनके लाइफ में बहुत सारे लोगों ने उन्हें चीट किया होगा, उनका फ़ायदा उठाया होगा एंड ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ही टेंस्ड होंगे, ठीक है ना? इनके लाइफ में बहुत सारे टफ सिचुएशंस को इन्होंने फेस किया होगा। अगर आप इनसे बातें करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ इजी नहीं रही है, ठीक है? इवन देन इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, इनके अंदर वो कह सकते हैं एक नेचुरल पावर है जिससे कि ये पर्सन फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेनटेन रखते हैं एंड इनके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है इनके सामने अगर लोग इनको मुझे दिख रहा है कि इनको बहुत सारे लोगों ने इनको चीट किया होगा, चाहे वो फ्रेंड्स हो चाहे वो हो सकता है कलीग्स हो, ठीक है? बट इस पर्सन ने
उस चीज़ से ओवरकम करना सीख लिया है लाइफ में, काफ़ी मच्योर होंगे, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, इनके अंदर काफ़ी एक स्ट्रांग पर्सन की क्वालिटी होगी, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। लुक वाइज भी हम कह सकते हैं ये पर्सन दिखने में भी काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है ना। इनका रहने सहने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, स्पेशली इनका जो कपड़े पहनने का ढंग होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। हो सकता है इस पर्सन का ग्रीन कलर फेवरेट हो या फिर रेड कलर फेवरेट हो सकता है, ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन ये पर्सन पहनते होंगे, ओके। फिर इन जनरल को ग्रीन या रेड पसंद होगा, ठीक है, मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, ओके, वेल रिस्पेक्टेड इन द सेंस ये पर्सन इस पर्सन को पता है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है एंड कैसे रिस्पेक्ट अर्न करनी है। एंड क्योंकि इन्होंने अपने आप को काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपने लाइफ में, अमिड्स ऑफ ऑल द टेंशंस एंड ऑड्स एंड चैलेंजेस, ठीक है ना। इनके लाइफ में जितने भी टेंशन चैलेंजेस हैं उन सब के बीच में भी ये पर्सन अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब भी इस पर्सन को तकलीफ होती होगी, ये पर्सन अकेले रहना पसंद करते होंगे या फिर कहीं दूर चले जाते होंगे वेकेशंस पे या फिर उस सिचुएशन से दूर चले जाते होंगे, बट लड़ाई झगड़े करना ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं होगी। काफ़ी पेशेंट पर्सन होंगे, ठीक है ना, काफ़ी पेशेंट पर्सन होंगे, चीज़ों को बहुत शांति से हैंडल करना ही आता होगा एंड मैच्योरिटी के साथ भी, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, शांत स्वभाव के आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े करना इस पर्सन को पसंद नहीं होगा, मुझे यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ओके। एंड हो सकता है इस पर्सन को जब भी हर्ट किया जाए ये पर्सन अकेले में जाके बैठ जाते हैं, इमोशनल पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ओके। बहुत सारे लोग इस पर्सन से हेल्प लेने के लिए आते होंगे, ठीक है, इस पर्सन की तरफ देखते होंगे कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर दे, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं ये पर्सन, एनिमल लवर भी हो सकते हैं, इस पर्सन के घर पे एनिमल्स हो सकते हैं या पेट्स इन्होंने अपने घर पे रखा होगा, ये चीज़ भी है। एंड ये पर्सन एनिमल लवर होंगे इन द सेंस कि ये रोड पे जाए या कहीं भी जाए, अगर इनको कोई ऐसे एनिमल दिख जाए जिनको ये हेल्प करना चाहे तो डेफिनेटली ये पर्सन करते होंगे आउट ऑफ केयर, इनकी नेचर ऐसी है, काफ़ी काइंड नेचर के है ये पर्सन, ओके। एंड समवेयर मुझे ये भी फील हो रहा है कि इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि इनको पता है कि कभी भी कोई लोग तकलीफ में होता है तो फिर कैसा फील होता है, ओके, ये चीज़ है। चलिए हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं क्या पता चलता है और आपके पर्सन के बारे में। हु विल यू मैरी, वी हैव द एट हाउस, दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट रेयर रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन, वी हैव दिस कार्ड एट हाउस। वी हैव टॉरस, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज रिच अर्दी प्रोडक्टिव येट रिलैक्सड एंड स्लो। मैंने कहा था ये पर्सन रिलैक्सड एंड स्लो रहना पसंद करते हैं, ठीक है, मतलब पेशेंटली, घर हड़बड़ाते या हड़बड़ी नहीं करते, ठीक है। टॉरस इस पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग एनी वेयर, हेवी इन द बर्थ चार्ट कहीं। वी हैव पाइसिस, दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट, फॉरगिविंग, इट कन्फ्यूशियस एंड सॉफ्टन योर रिजॉल्व। सो ये पर्सन डेफिनेटली हाईली इमोशनल पर्सन होंगे, ओके। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम कार्ड्स ले लें। Then we have Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies. Okay, ये person कोई healer हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये healer doctor के through हो सकते हैं या ये person ना medical के student हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कार्ड से जो इस ये बात कंफर्म कर रही है कि ये पर्सन कहीं healer हो सकते हैं medical field से या फिर इस person को ना ऐसी कोई आयुर्वेदिक treatment या फिर कोई healing, ठीक है, जैसे लोगों को या फिर animals को स्वस्थ किया जाए, ठीक है। ये प्लांट्स से रिलेटेड हो सकता है कि प्लांट्स की डिजीजेस को ठीक करना इस पर्सन का वर्क हो सकता है, ओके। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन स्टूडेंट हो। इन नेचर ये पर्सन बहुत ही काइंड होंगे, कंपैशनेट होंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपके लिए कार्ड भी आए, एंडलेसली लविंग। ये पर्सन ना कहीं ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से मिस्टेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, मिस्टेरियस हो सकते हैं, काफ़ी एम्बिशियस होंगे एंड हार्ड वर्कर होंगे, ठीक है, काफ़ी लॉयल भी होंगे, डेफिनेटली ये पर्सन लॉयल होंगे। एंड ये फिगर यहाँ भी एंजेलिक पिंक्स है एंड यहाँ पे भी एंजेलिक पिंक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैसेजेस है कि ये पर्सन डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड है, आपके लाइफ में भी डिवाइन टाइमिंग में आएंगे। अनदर थिंग, ये मैसेजेस आ रही है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो लेसन टीच करने के लिए आएंगे, आपके मेंटर गाइड टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और इन जनरल क्या होगा कि जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं आपको टीच करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एट हाउस है एंड देन टॉरस है, ठीक है, एट हाउस एंड टॉरस। सो
आपकी पर्सन का टॉरस इन द 8th हाउस हो सकता है, जिससे कि आपके पर्सन क्या होंगे कि अगर उनके बर्थ चार्ट में टॉरस इन द 8th हाउस अगर नजर आता है, तो फिर आपके पर्सन का नेचर ऐसा होगा कि वो डेफिनेटली पैसे कमाना जानते होंगे और ऐसे ऐसे रास्ते से पैसे कमाएंगे जैसे जो कन्वेंशनल नहीं होगा, ठीक है, जो लोगों को पता भी नहीं होगा उस रास्ते से, ठीक है। इसे नेगेटिव वे में नहीं ले, बट वो चीज़ें करना जो जनरल नहीं है इनके लाइफ में या फिर इनके सराउंडिंग्स में, ठीक है। मान लो इनके फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये पर्सन ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, थीके? या फिर पेंटिंग से पैसा कमा सकते हैं, बट इन डिफरेंट वे, बट ये पर्सन डेफिनेटली पैसे कमाने के ऊपर में काफ़ी फोकस्ड होंगे। ओके, इस पर्सन को थोड़े से चेंजेस से प्रॉब्लम हो सकती है। चेंजेस से प्रॉब्लम कहने का मतलब कि इनको चेंजेस पसंद नहीं होंगे अपने लाइफ में, जिस घर में रहते हैं वहीं रहना, जिस एरिया में रहते हैं उसी में रहना, ठीक है। ऐसा इनका होगा कि इन्हें चेंजेस पसंद नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। इनको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने में या फिर फ्लेक्सिबल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो वहाँ पर थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ें मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका 8th हाउस में पाइसिस हो, ठीक है, पाइसिस इन द 8th हाउस आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है या फिर आपके पर्सन का भी हो सकता है। ओके, आपके पर्सन जो होंगे वो अपने लाइफ में बहुत ही गुड स्टूडेंट रहे होंगे, इनके लाइफ में इन द सेंस कि ये पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे होंगे एंड इनको नॉलेज गेन करना काफ़ी पसंद होगा, ये चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए, आप वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वी हैव ब्रोकन हार्ट, सी मैंने आपको बताया था ना, ये पर्सन इनका हर्ट जो है ब्रोकन हुआ होगा, ठीक है। अब हो सकता है इनको पास्ट में किसी रिलेशनशिप में हर्ट ब्रेक मिला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों का हर्ट ब्रेक हुआ हो तब आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। कुछ लोग के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, आपको चीट करके गए हो एंड देन रिटर्न बैक होके आ रहे हैं, या फिर आपको वैसे ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया हो देन फिर वो पर्सन बैक होके कुछ लोग के लिए आ सकते हैं। ओके, नंबर 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है या फिर आप लोग मिल सकते हो 9 को या फिर 9th मंथ में मिल सकते हैं। ओके, द थिंकिंग मैन, दिस पर्सन विल बी हाईली नॉलेजेबल। नंबर 9 एंड नंबर 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 46 इस पर्सन की एज हो सकती है, ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इनके पास नॉलेज होगी, बहुत डीप थिंकर होंगे, ठीक है, ऐसे इनकी एनर्जीज एंड हार्ड वर्कर भी होंगे एंड ये पर्सन अपने लाइफ में ना इनके घर में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अबंडेंस होगी, इनका घर काफ़ी अच्छा हो सकता है एंड अगेन कि ये पर्सन अच्छे से, अगर मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है ना, इनको अपने क्लोथिंग का सेंस इनका बहुत अच्छा होगा एंड क्लोथ को लेके काफ़ी कंसर्न होते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो काफ़ी अच्छे से तैयार होकर जाते होंगे, इनका कलेक्शंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड जब भी आप इनको देखोगे फर्स्ट टाइम, इनकी क्लोथिंग सेंस आपको बहुत पसंद आएगी। मजिशियन एंड द मिरर, नंबर 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पर्सन ना बिल्कुल मजिशियन की तरह होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे ऐसे चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं जिनको बिल्कुल किसी को भी पता नहीं है। सो कुछ लोग इनको ऐसे भी कहते हैं कि आप बिल्कुल एक मजिशियन की तरह हैं। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड अनदर थिंग कि इस पर्सन को लाइफ में बैलेंस बना के रखना बहुत पसंद होगा, ये भी कार्ड डिनोट करता है यहाँ पे, ये मैसेजेस आ रही कि ये पर्सन बैलेंस बना के लाइफ में चलना काफ़ी अच्छे से पता होगा, ठीक है। जब भी टेंशन आता होगा या कुछ भी है, ये पर्सन खुद को बैलेंस करके चलेंगे, इनमें मैच्योरिटी काफ़ी होगी, ठीक है, नॉलेज है, मैच्योरिटी है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इन डिसीजंस, सो ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो सकते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। जब भी इनको चेंज करना पड़े कोई सिचुएशन, ठीक है, तब ये पर्सन कंफ्यूज्ड होते होंगे। अडैप्टेबिलिटी में इनको प्रॉब्लम होती होगी, थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ करने में प्रॉब्लम होती होगी, ये चीज़ें इस पर्सन के अंदर आपको नज़र आ सकती हैं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, एप्रिशिएशन नंबर 15, ओके, एंड नंबर 6 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई कैन सी 8, 6, 10 एंड 9, ओके। Appreciation, this person will be highly appreciated in the society, ठीक है, या ये person already बहुत appreciated है society में, लोग इनको appreciate करते हैं because ये person बहुत knowledgeable है, ठीक है, लोग इनकी तरफ देखते हैं, ये person king या queen की तरह है, ओके, ये vibes बहुत strong है कि ये person king and queen की तरह है, so या तो फिर ये स्टूडेंट भी है तो भी ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है। ये चीज़ है कि कुछ लोग के लिए ये person अभी स्टूडेंट हो सकता है, अगर आपकी एज बहुत कम है, ये person पढ़ाई कर रहे हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो या फिर डॉक्टरी में हो, या फिर ये person इन जनरल हो सकता है, ये पर्सन बॉटनिस्ट भी हो सकते हैं, उसकी भी पढ़ाई कर रहे हो, ओके, बायोलॉजी की किसी भी फील्ड से टेक्नोलॉजिकली, तो ये पर्सन काफ़ी अप्रिशिएट होते होंगे कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे से वर्क करते हो, सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। कॉर्नोकोपिया बॉटम ऑफ द डेक, इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में भी अबंडेंस लेके आएंगे, काफ़ी चेंजेस लेके आएंगे। अगर आपका हर्ट ब्रेक है तो डेफिनेटली ये पर्सन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएंगे। चलिए हम देखते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, आपके अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके पर्सन से कैसी बॉन्डिंग बनेगी, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं।
हमारे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, उनकी स्पाउस उनकी वाइफ हस्बैंड से कैसे उनकी बनेगी। वी हैव डिटैच नंबर 11, वी हैव मूविंग ऑन। ओके एट ऑफ कप्स दो बार है आपकी रीडिंग में। सिक्स बिलीव एंड सक्सीड, वाओ स्प्रेड योर विंग्स। Wheel of Fortune, Base Chakra, Observe, Okay. So, आपके पास ये आया है सबसे पहला Moving on and Detach, ठीक है। कुछ लोगों के लिए definitely आप लोगों की शादी आपके एक्स से हो सकती है या फिर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हो तो वो पर्सन आपके साथ डिटैच हो जाएंगे, छूट जाएंगे, ठीक है, सेपरेशन हो जाएगा, फिर आप लोग मिलोगे, ठीक है, आप लोग मूव ऑन कर जाओगे देन फिर मिलोगे, ओके। एंड अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो एंड देन फिर आपका ऐसा सिचुएशन होगा कि आप डिटैच हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे एंड देन फिर आप लोग को लगेगा कि हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। एंड देन आई बिलीव एंड सक्सीड, सिक्स ऑफ पेंट्स का कार्ड है, ठीक है, आप लोगों की मैरिज होगी, आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे इस पर्सन के साथ, ठीक है ना, ये सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड वी हैव गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ऑब्जर्व कार्ड एंड स्प्रेड योर विंग्स, ओके। सो ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में जब आए तो आपके लाइफ में दो चॉइसेस हो सकती है, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, वी हैव दिस इंडिसीजन कार्ड। एंड ऐसा हो सकता है कि फिर आप भी कंफ्यूज्ड हो या फिर ये इस पर्सन की लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं जब आप जाओ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, दो पर्सन कहने का मतलब चीटिंग की वाइब्स नहीं है, दो पर्सन कहने का मतलब कि ऑप्शंस इस पर्सन के पास दो हो सकते हैं, आपके साथ मैरिज करने की या फिर किसी और के साथ, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। अनदर थिंग इज दैट व्हील ऑफ फॉर्चून एंड देन वी हैव बेस चक्रा कार्ड, ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, बहुत स्टेबल आप फील करोगे आपके लाइफ में इस पर्सन के आने से, एक लकी आपको फील होगा कि ये पर्सन बहुत हमारे लिए लकी है, ये पर्सन डेफिनेटली आप बहुत ही स्पिरिचुअली आप दोनों स्पिरिचुअली अवेकेंट हो जाओगे, ठीक है ना, आप दोनों ही चीज़ों को सीखोगे एक साथ। यहाँ पे रेनबो है जो कि दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हैप्पीनेस आएगी आपके लाइफ में, आप लाइफ के डिफरेंट कलर्स को एक्सपीरियंस कर सकोगे इस पर्सन के साथ, ओके। एंड यहाँ पे एक मेल या मेल फीमेल हम कह सकते हैं इस पूरे कार्ड में है, एंड यहाँ पे चार फिगर्स हैं जो इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन जो होंगे ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे लोग देखते हैं फॉर देयर हेल्प। आप भी इस पर्सन को हो सकता कहीं देखते हो, ठीक है, ऑलरेडी आप जानते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रैवलिंग के थ्रू भी आ सकते हैं एंड ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, आप दोनों की लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी एक दूसरे के साथ, आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल रहेगा, ठीक है ना, काफ़ी स्टेबल रहेगा, आप दोनों काफ़ी पैशनेट रहोगे एक दूसरे के प्रति एंड आपको काफ़ी फ्रीडम भी मिलेगी, ठीक है ना, आप काफ़ी इस पर्सन के ऊपर बिलीव कर सकोगे कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल होने वाली है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। दो कार्ड सर्कल करने से पहले गिरे हैं, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ओके। सो आपको पेशेंस रखना है इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप अगर आप ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हो या फिर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर हो जहाँ आपका सेपरेशन हो गया, तो आपको पेशेंस रखना है, ये पर्सन आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लेडी जो है, आप मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है ना, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे इस फिगर में एक लेडी है जो कि मरमेड है, ठीक है ना, एंड ये बहुत ही शांत है, काम है एंड ओपन हैंडेड मेडिटेशन कर रही है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद को काम रखें, आपकी सिचुएशन जो भी अभी चल रही है वहाँ पे शांत रहें, ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में फ्लो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत जल्दी आ रहे हैं एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड हैप्पी फील करोगे। सी यहाँ पे दोनों ही हैंड्स ओपन है एंड यहाँ पे भी दोनों हैंड्स ओपन है, काफ़ी सिमिलर है बट स्टेट ऑफ माइंड का डिफरेंस है, ये शांत है, हो सकता है आप काफ़ी सैड फील करो, अकेला फील करो, आफ्टर दैट आप अपने हैंड्स को ओपन रखो यानी डिवाइन पे ट्रस्ट करो कि वो आपके लिए वर्क कर रही है, ठीक है, आप देन क्या करोगे, आपके चेहरे पे इस तरह की हंसी आएगी, ठीक है, हंसी आएगी, आप खुश हो जाओगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। प्लीज एंजल्स टेल मी मोर अबाउट पाइल नंबर वन, फ्री स्प्रिट, सी फ्री स्प्रिट, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड एंड फ्री स्प्रिट का कार्ड, दोस्तों मुझे फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को फीलिंग्स, ठीक है ना, आपको सकता है पास्ट में किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, फ्री नहीं रह पाते थे, आपको इस रिलेशनशिप पे वो फ्रीडम मिलेगी, आप इस पर्सन के साथ इनोसेंटली रह सकते हो। वी हैव अवेयरनेस एंड देन फीलिंग्स, ठीक है, कुछ लोग डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हैं, सभी लोग तो नहीं बट कुछ लोग डेफिनेटली जानते हैं। दोस्तों चिट्स की मदद से देखते हैं आप अपने पर्सन से, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जिनसे आपकी शादी होगी उनसे कहाँ मिल सकते हैं।
वी हैव होटल, आप लोग होटल में मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वी हैव सिनेमा, आप लोग सिनेमा में मिल सकते हैं, ठीक है। वी हैव पार्टी, ओके, आप किसी फ्रेंड के पार्टी में मिल सकते हैं, एज अ फ्रेंड आप स्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप को अनएक्सपेक्टेडली, ओके, आप अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हो कहीं जा रहे हैं या कहीं पे भी। वी हैव डिस्को, आप इस पर्सन से डिस्को में भी मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए और चिट्स से हम देखते हैं क्या पता चलेगा। सैड, सो आप सैड होंगे तभी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है ना। जब आप सैड होंगे, आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, देन ये पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। कास्ट डिफरेंस हो सकता है दोस्तों आप लोग के बीच में, यानी इस वजह से आप हो सकता है सैड हो कि आपकी मैरिज हुई कि नहीं। फॉरेनर, सो कुछ लोग डेफिनेटली आपकी डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन में शादी हो सकती है, फॉरेनर हो सकता है आपके पर्सन। येलो स्किन, इस पर्सन का येलो स्किन हो सकता है। एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, मैंने आपको कहा ना ये पर्सन बॉटनी के फील्ड, पेड़ पौधों से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सो एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हो सकते हैं ये पर्सन। चाइल्ड लाइक, ये पर्सन चाइल्ड लाइक हो सकते हैं, बच्चे की तरह इनोसेंट। बेकर या कन्फेक्शनर हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना, बेकर या कन्फेक्शनर। टू ईयर्स, तो आप दो साल में मिल सकते हैं इस पर्सन से, या फिर दो साल में आप पहले मिल चुके हो, दो साल में आपका एज गैप हो सकता है, फिर आप किसी से रिलेशनशिप में डील करो, दो साल आपकी शादी हो सकती है। वैरियर एंड प्रोटेक्टर की तरह होंगे ये आपके लिए। टेन आया है, सो टेन नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट, आप टेन डेज में मिल सकते हो, टेन डेज में आप सेपरेट, अगर सेपरेट हो किसी से तो आप टेन डेज में रिकनसाइल कर सकते हो, उससे आपकी शादी हो सकती है। चबी, ये पर्सन चबी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। फुटबॉल, सो ये पर्सन फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से इनका वास्ता हो सकता है, स्पोर्ट्स इन्हें पसंद हो सकती है। डिम्पल्स हो सकती है इस पर्सन की, आपकी हो सकती है, ठीक है। वी आर फेमस, ओके, अप्रिशिएशन का भी कार्ड एंड फेमस, तो ये पर्सन फेमस हो सकते हैं, ठीक है ना। अमेरिका, सो कुछ लोग ऑलरेडी आप अमेरिका में रहते हो या वहाँ मिल सकते हो, या फिर ये पर्सन अमेरिका में ट्रैवल करते हैं, वहाँ रहते हैं, आप लोग फॉरेन जा सकते हो शादी के बाद, ठीक है। सो पाइल नंबर वन, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप सो रीडिंग आपको पसंद आई है, ऐसा है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखें अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर टू, कैसे हैं आप सब, आपकी इनिशियल आती है NCZ में या फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है मेमोरीज की, ये रीडिंग आपकी है दोस्तों। एंड आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, आप सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, आप फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देखना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं, आप मेल फीमेल कोई भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, किसी भी जेंडर के हो, ठीक है। एंड ये जनरल रीडिंग, इस बात का जरूर ध्यान रखें जो मेरे हिसाब से रेजोनेट होती है वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, एंड मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगती है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपके सामने आ रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, मैरिड हैं आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर टू, हु विल दे मैरी। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज द सन, माय गॉड, पाइल नंबर टू। Then we have nine of swords. Okay. We have six of swords. We have eight of wands. We have ten of pentacles. We have knight of wands. Bottom of the deck is Knight of Swords, okay? And then we have the Hierophant. So, आपकी पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है लियो हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कम चांसेस है बट हो सकता है, ठीक है। एंड एरीज लियो सैजिटेरियस भी यहाँ पे नजर आ रहा है, लियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, लियो आप दोनों हो सकते हैं। आपके पर्सन की नेचर की बात करूँ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन होंगे, जिन्हें फ्री रहना पसंद होगा, ठीक है, जिनको बहुत एडवेंचर पसंद होगा, ट्रैवलिंग पसंद होगा, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत पसंद होगा, ठीक है। ये हमेशा एक जगह बैठ के रहने वाले पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। आपके साथ भी होंगे तो बहुत फन करेंगे, मतलब घूमने फिरने जाना, ट्रैवल करना, सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल हो कुछ हो, ठीक है, अच्छे कपड़े आपको गिफ्ट करना, लाइफ में हमेशा एक ब्यूटी ब्यूटी ऐड करके रखना, ठीक है ना, मेमोरीज आया है
आपने ये वाले कार्ड सेलेक्ट किया, आपके साथ बहुत मेमोरीज क्रिएट करेंगे ये पर्सन, ठीक है ना, ब्यूटीफुल मेमोरीज, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। करेंटली हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में ना इनको चोट पहुंची है, बहुत सैड है, ओके। एंड ये पर्सन अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए जा रहे हैं जो कि इनके लिए काफ़ी पेनफुल एंड डिफिकल्ट है, ओके। एंड हो सकता है इनके फैमिली इशूज कुछ चल रहे हैं, घर में कुछ इशूज़ चल रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका एक चाइल्ड हो सकता है। एंड ये सभी के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसी हो सकती है ये बातें, ठीक है। एंड हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, एंड ये पर्सन उस चीज़ के लिए काफ़ी वरीड है, एंड आपके साथ बहुत जल्दी मिलना चाह रहे हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए ये पर्सन बहुत ही दूर से ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, काफ़ी अबंडेंट फैमिली के हो सकते हैं ये पर्सन, बहुत रिच होंगे, ठीक है ना। इस पर्सन के लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इस पर्सन ने हार्ड वर्क करके सब कुछ कमाया है, ये पर्सन भी हार्ड वर्किंग होंगे, बट इनकी जो फैमिली होगी वो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली होगी, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली से आते होंगे जिनके पास बहुत बढ़िया घर, सभी तरह की अबंडेंसेस, ठीक है, इनका पूरा बहुत बड़ा परिवार हो सकता है, आपकी एक अरेंज मैरिज से भी शादी हो सकती है इस पर्सन के साथ, ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड इनके ऊपर ब्लेसिंग्स होगी इनके पेरेंट्स की, इनके ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है ना। आप जब इस फैमिली में जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाएगा। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है, ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इस पर्सन का ना वुड से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, लकड़ियों का या फर्नीचर का, वो चीज़ें भी दिख रही है। ये पर्सन जू में वर्क करते हैं या फिर एनिमल लवर भी हो सकते हैं, इनके पास वाइट कलर की कोई पेट हो सकती है, ओके। इनके घर में बहुत बड़ा गार्डन हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपके घर में भी गार्डन हो सकता है। इस पर्सन को फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, येलो कलर बहुत पसंद होंगे इस पर्सन को, ओके। एंड ये पर्सन ना ऐसा हो सकता है कि आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो देन आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। एंड ये पर्सन अगर हम करेंट एनर्जीज़ की बात करें, ये पर्सन काफ़ी अभी दुखी है, एंड उस चीज़ से ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश करें कि बाहर निकल जाए, और बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर भी निकलेंगे एंड काफ़ी फुलफिल्ड भी महसूस करेंगे, ओके। एंड हो सकता है कि ये टेंशन वाली सिचुएशन से बाहर निकले ट्रैवलिंग के दौरान, फिर ये कहीं घूमने जाए तब फिर ये आपसे मिल सकते हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। Orality, Queen of Swords. We have politics, number 7, 7 of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. आप दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लियो हो सकते हैं। Ace of Swords. सारे Swords के कार्ड, The Rebel. एंड देन मैनिफेस्टेशन एग्जिस्टेंस का कार्ड है जो कि मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है ना। हो सकता है ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करते हो, क्योंकि मेरे मुँह से मैनिफेस्टेशन आया, सो ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव बर्डन इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है ना। ये आप डेफिनेटली ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली, तो आपकी एक ऐसे पर्सन से शादी होगी जो थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर के होंगे, बहुत ही पेरेंट की तरह आपको केयर करेंगे एंड गाइड करेंगे। अनदर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिख रही है, आपको गाइड करेंगे आपके लाइफ में, थोड़े से आपको अगर स्ट्रिक्ट भी लगते हैं, डांटते डपटते भी है कभी, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए होगी वो चीज़ें, ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज के बीच में कोई पर्सन हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, पॉलिटिक्स करे, ठीक है ना, टेंशन क्रिएट करे, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड इनके इस पर्सन के लाइफ में ना कोई टॉक्सिक पर्सन जरूर है जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान है, ठीक है। किसी का चेहरा सामने से अच्छा है बट पीछे से बहुत ख़राब है, ठीक है। एंड इस पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है उस पर्सन से, हो सकता है किसी के साथ ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, एंड वहाँ से ये पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये फैमिली के मेम्बर भी हो सकते हैं या फिर कोई लव पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई पास्ट का मैरिज हो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अभी पर्सन आपके डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग है, लीडर लाइक है, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं जो भी अपने लाइफ में इनको चाहिए तो फिर वो चाहिए, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जीज है, ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशन ये पर्सन करते हैं। एंड हो सकता है ये पर्सन बाय नेचर बहुत ही ऑनेस्ट होंगे, ठीक है, ये पर्सन ऑनेस्ट होंगे, बट इनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ में डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है या फिर टेंशन क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते ये पर्सन परेशान है, ठीक है। काफ़ी ओपन माइंडेड होंगे ये पर्सन, एंड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना इनको बहुत पता होगा, साथ ही साथ ये पर्सन स्ट्रांग होंगे। एंड अदर थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सन इनको जो भी बुरा लगेगा, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं कि बटरिंग करेंगे, साफ साफ मुँह पर बोल देंगे, एंड ऐसे बोलेंगे कि कंस्ट्रक्टिव वे में हो वो क्रिटिसिज्म, बट इन द कंस्ट्रक्टिव वे,
ठीक है, बुराई करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, उससे आपका भला हो वैसे बुराई करेंगे, ठीक है। ये पर्सन डिवोर्सी भी हो सकते हैं, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने वाले होंगे ये पर्सन, ठीक है ना। खुद से अर्न करना, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करना एंड अपनी फैमिली को सभी मुसीबतों से प्रोटेक्ट करने वाले ये पर्सन होंगे, ओके। चलिए हम एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं क्या पता चलता है। हमारे पास चिट्स भी है दोस्तों, सो रीडिंग में पूरी बने रही है। वी हैव द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, लीडर हो सकते हैं, एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं। वी हैव द सन, सी, ओ माय गॉड, द सन एंड द सन, दो दो बार, वाओ। आपके पर्सन जो होंगे वो बहुत ही आपके लिए ब्राइटनेस लेके आएंगे आपके लाइफ में। ये पर्सन बहुत ही फ्री स्पिरिटेड होंगे एंड आपकी डेस्टिनी इस पर्सन से आपको मिलाएगी, ठीक है ना। अनदर थिंग कि ये पर्सन जो होंगे ना बहुत ही ब्राइट होंगे। इस पर्सन का जो भी पास्ट रहा हो बट इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, इस वजह से आपका भी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। लियो बहुत प्रोमिनेंट है, आप दोनों लियो हो सकते हैं, ठीक है ना। अनदर थिंग कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक इनमें लीडरशिप की क्वालिटी होगी। हमारे पास द एम्परर का कार्ड है, ठीक है, इनको लाइफ में कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आपको बहुत प्रोटेक्ट करने वाले हैं ये पर्सन, हैप्पीनेस लेके आने वाले हैं, सिक्योरिटी आपको मिलेगी इस पर्सन से, डिफेंस के फील्ड से भी हो सकते हैं ये पर्सन। लेट्स सी द टेंथ हाउस, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। इस पर्सन को टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होगा, साइंस में बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये पर्सन, एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड्स, एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट होगा इस पर्सन का, ठीक है ना, प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। And Capricorn, their energy around you is serious, materialistic, hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. ये person highly ambitious होंगे and hard worker होंगे, ठीक है। इस person के ऊपर में कोई बहुत ही burden हो सकता है, but ये person रुकना नहीं जानते, सभी बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ना जानते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। And जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन को एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों में ही इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन एस्ट्रोलॉजी में इनका इंटरेस्ट हो, कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोनॉमी में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा होगा इस पर्सन के साथ। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या फिर इस पर्सन का बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ये मैसेज आपसे भी रेजोनेट हो सकती है। लेट्स सी आप दोनों का बॉन्डिंग कैसा होगा। जस्ट ब्रीथ, विच इज फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड, रेफ्यूजिंग टू सी। तो आपके लिए ये पर्सन अननोन हो सकता है, इस पर्सन को आप जानते नहीं हैं, ठीक है ना। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप इस पर्सन से अभी मिले नहीं हैं। वी हैव रिलीज द ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में जब भी ये पर्सन आएंगे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। आपका कोई एक लाइफ का टफ साइकिल एंड हो रहा होगा, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो एंड आपकी लाइफ में तभी आपकी हीलिंग चल रही होगी। आप हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रही हो, आप हील कर रहे हो, आप तब मिल सकते हो। हो सकता है आपको कोई डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती हो, आप उस चीज़ से ठीक हो रहे होगे तब इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है ना। आपकी कोई एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होती है, वो क्लियर हो रही है, देन आप इस पर्सन से मिल सकते हो। आफ्टर दैट कोई कुछ अचीवमेंट या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड देन आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे। यह सैक्रल चक्रा, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट होंगे आपको लेके, ओके, काफ़ी पैशनेट होंगे। आप दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग भी अच्छी होगी बहुत एंड फिजिकल बॉन्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ओके। हो सकता है ये पर्सन किसी क्रिएटिव फील्ड से भी बिलोंग करते हैं या फिर आप हो सकते हो जो क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं। वी हैव दिस जजमेंट कार्ड, वी हैव बेस चक्र कार्ड, वी हैव, वाओ, ओ माय गॉड, पाइल नंबर टू, यू आर सो लकी, टू ऑफ कप्स कमिंग टुगेदर, वाओ, सी मैनिफेस्ट, ओ माय गॉड। सो दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम या आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी हैव दिस एस ऑफ पेंटिकल कार्ड विच इज स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। सो दोस्तों, आपके लिए नंबर वन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं किसी के साथ। नंबर टू कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो अगर हम आपकी बात करें, आपके लिए ट्रिपल वन है, ठीक है। सो ट्रिपल वन आपको दिखता होगा या फिर आपको जब भी दिखेगा ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे, ओके। सबसे पहले तो आपकी शादी सोलमेट से या आपकी ट्विन फ्लेम से होगी एंड आप लोग उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन जो भी आपके लाइफ में आएंगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगी,
ठीक है, आप करियर में प्रॉस्पर करोगे। मैंने आपको जैसा बताया, ये पर्सन आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं। आप जब भी ये पर्सन की लाइफ में जाओगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बॉन्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। जब मैंने पहले ही बता दिया, देन कार्ड भी आया स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का, दोनों की जो भी बॉन्डिंग, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कोई सेपरेट नहीं कर सकता। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। तो ऐसा नहीं कि आप मेल हो तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप फीमेल हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नहीं, आप दोनों मिलकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओगे। एंड देन ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी जो बॉन्डिंग होगी ना बहुत स्ट्रांग होगी, सभी तरह की बॉन्डिंग, ठीक है ना। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस आएगी, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी इस मैरिज से, ओके। ये चीज़ है कि ये पर्सन ना आपको डांटते रबड़ते भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट मैं आपको बता रही हूँ आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, इस बात को आप ट्रस्ट करें कि जब भी ये पर्सन आपको डांटेंगे डपटेंगे या समझाएंगे, ठीक है ना, एक पेरेंट की तरह, एक गार्जियन की तरह, आपकी मदर की तरह, आपके फादर की तरह, ठीक है, इसलिए कि आप अपनी लाइफ में ब्लॉसम करो, आप अपने लाइफ में ब्राइट बनो, आपके लाइफ में ग्रोथ आए, इसलिए ये पर्सन आपको गाइड भी करेंगे। एंड समटाइम्स आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लाइक हमारी मदर बोलती है कि टाइम से खाओ, इतने बजे घर आ जाओ, किस लिए, इसमें वो हमें नीचा नहीं दिखाती है, वो चाहती है कि हम सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, बट सेम वाइब यहाँ पे है। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे इस मैरिज में, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी सभी डिमांड्स को पूरा करेंगे, ठीक है ना, इमोशनल डिमांड, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ये पर्सन देख नहीं सकते, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई लॉस हो गई हो, मदर की लॉस हो या किसी फैमिली मेम्बर की लॉस हो, देन आप इस पर्सन की लाइफ में जा सकते हो दोस्तों। एंड ये पर्सन उस टाइम पर हो सकता है इमोशनली वीक हो, बहुत टेंस्ड हो, क्योंकि इनके घर में लॉस हो गया है फैमिली मेम्बर का, या कोई ऐसा लॉस हो सकता है, देन आप इस पर्सन की लाइफ में जाएंगे, ये पर्सन आपको एक ट्रेजर की तरह, एक गिफ्ट की तरह अपने लाइफ में संभाल के रखेंगे, इस रिलेशनशिप को संभाल के रखेंगे। वाओ, लेट्स सी आपको कहाँ मिल सकते हैं। ट्रेन स्टेशन आया दोस्तों, सब लोग ट्रेन स्टेशन पे मिल सकते हैं। फैमिली, आप लोग फैमिली के थ्रू मिल सकते हैं, आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। चर्च में मिल सकते हैं आप लोग। सी, मैंने बोला ना जू, तो ये पर्सन जू में वर्क करते होंगे, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस है कंफर्म। होटल में मिल सकते हैं, इस पर्सन का कोई होटल हो सकता है। सो डिस्को में मिल सकते हैं दोस्तों, आप फैमिली के साथ डिस्को गए हो या फिर आप डिस्को गए हो वहाँ पे मिल सकते हो। वी हैव दिस टू, वर्क प्लेस पे मिल सकते हो दोस्तों, ठीक है, या फिर आप स्टोर में मिल सकते हो किसी तरह के। चलिए और शीट्स लेके हम देखते हैं क्या पता चलता है। राइटिंग, इस पर्सन को लिखना पसंद हो सकता है, कुछ लिखते होंगे, राइटर हो सकते हैं, वैरियर प्रोटेक्टर की तरह होंगे आपके लिए, चबी हो सकते हैं दोस्तों ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, ठीक है ना, फ्लावर्स का आया चीज। पंजाब से हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आप या आपके पर्सन दोनों, या फिर आप दोनों। प्रिटी, वाओ, गुड लुकिंग होंगे ये पर्सन, आप मेल फीमेल कोई भी हो, प्रिटी आया है, फीमेल है तो। ड्रिंक, आप लोग ड्रिंक में मिल सकते हो, या मैं ड्रिंक कर रहे हो कहीं पर वहाँ पर मिल सकते हो। लार्ज माउथ, आपकी लार्ज माउथ हो सकती है इस पर्सन की, हो सकती है। हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है। नंबर वन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्सन का बर्थडे आता हो या फिर आप लोग मिले हो 1 तारीख को। बायोकेमिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। एंगर और रिजिड, ये पर्सन थोड़े से इनको प्रॉब्लम हो सकती है एंगर, और ये पर्सन थोड़े से रिजिड भी हो सकते हैं। फनी, ये पर्सन आपको खूब हंसाएंगे, फनी होंगे। सॉन्ग्स इस पर्सन को पसंद होगा, गाना लिखना या गाना सुनना पसंद होगा। नेचुरोपैथ हो सकते हैं, नेचुरोपैथ हो सकते हैं ये पर्सन। प्रॉस्पेरिटी, ये पर्सन काफ़ी प्रॉस्पेरस होंगे, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, आप दोनों काफ़ी प्रॉस्पर करोगे, वो चीज़ें तो है। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप सबको रीडिंग पसंद आई, ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।